हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे फैन कोयल का 3 वायर के साथ कैसे कैपेसिटर कनेक्शन होगा। ये एक फैन कोयल का 2 कोयल है, बाहर से रनिंग कोयल, अंदर से स्टार्टिंग कोयल। ये 3 वायर निकला है, 2 वायर ग्रीन और 1 वायर रेड। देख लीजिए, ये सीरीज लैम्प के तरह से ये 2 वायर से लगाने के बाद देख लीजिए, लैम्प बहुत जल रहा है और ये 2 वायर से बहुत कम जल रहा है। तो जो 2 वायर से कम जल रहा है लैम्प, उसी 2 वायर से कैपेसिटर कनेक्शन होगा। देख लीजिए, जो 2 वायर से लगाने से बाद लैम्प कम जल रहा है तो उसी 2 वायर के साथ कैपेसिटर ऐड होगा, और जो वायर के ठिकाने के बाद लैम्प बहुत तेज़ी जल रहा है तो उसी वायर के साथ कैपेसिटर नहीं ऐड होगा। तो चलिए, ये फैन पूरा पूरी फिट करने के बाद हम देख लीजिए कैसे फैन से कैपेसिटर कनेक्शन होगा। तो देख लीजिए, इसे 3 वायर के साथ 2 वायर, एक ग्रीन वायर, एक रेड वायर, जो 2 वायर के साथ सीरीज लैम्प कनेक्शन देने के बाद कम जल रहा है तो उसी 2 वायर के साथ कैपेसिटर वायर ऐड होगा। तो ये कैपेसिटर हम ऐड कर लेंगे उसी 2 वायर के, एक रेड एक ग्रीन कलर का वायर के साथ से अच्छा से टाइट कर लेंगे सीरीज लैम्प के द्वारा। ये देख लीजिए, ये फैन कनेक्शन हो गया। तो ये सीरीज लैम्प का बोर्ड और सीरीज लैम्प के द्वारा हम देख लीजिए। तो चलिए, तो हम सीरीज लैम्प के द्वारा देख लीजिए, ये 2 वायर के साथ हम ठिकाने के बाद फैन सही घूम रहा है तो सही है। तो देख लीजिए, ओके। तो ये 2 वायर के पास सीरीज लैम्प ठिकाने के बाद ये जान पाएगा फैन सही घूम रहा है और नहीं घूम रहा। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, एक ग्रीन वायर और एक रेड वायर के साथ जो कैपेसिटर ऐड होगा उसी 2 वायर इलेक्ट्रिक के साथ ऐड होगा, और जो ग्रीन वायर के साथ कैपेसिटर 1 वायर ऐड होगा उसी वायर के साथ कोई भी इलेक्ट्रिक वायर नहीं जोगा, उसी वायर ट्रिप करने के बाद अलग रख दी। तो इसी तरीके से फैन 3 वायर के साथ कैपेसिटर वायर कनेक्शन होगा। कुछ कुछ फैन के 3 वायर के बाद 4 वायर होता है, तो उसी 4 वायर इसी कोई कोई कंपनी तो है जो अंदर से ये शॉर्ट करने के बाद 3 वायर बाहर से निकला है, और कुछ कुछ कंपनी है जो 4 वायर अंदर बाहर से निकला है। तो देख लीजिए, ये टेप करने के बाद नॉर्मल रहेगा। मिडिल कनेक्शन से हम रख देंगे, और जो पिन के मिडिल से मिडिल कनेक्शन मिडिल पिन नहीं रहेगा तो उसी टाइम से ये वायर टेप करने के बाद साइड से रख दीजिए। इसी तरीके से एंड से कैपेसिटर कनेक्शन होगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमारे वीडियो से कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे। चलिए, फैन से इलेक्ट्रिक देने के बाद फैन सही घूम रहा है और नहीं घूम रहा है हमें देख लीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक का 2 वायर, ये फैन का कोई भी फेज न्यूट्रल नहीं है। ये जो पिन के पास फेज और न्यूट्रल देगा तो फैन आराम से घूरेगा। तो इसी तरीके से फैन का 3 वायर के साथ कैपेसिटर ऐड होगा। फ्रेंड्स, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत आएगा तो हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे।